अजय देवगन और किच्छा सुदीप द्वारा राष्ट्रभाषा को लेकर दिए गए बयानों के बीच अब फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत का इस विषय पर बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि संस्कृत देश की राष्ट्रभाषा होनी चाहिए। कंगना ने यह बात अपनी आगामी फिल्म धाकड़ के ट्रेलर लॉन्च के दौरान कही। आइए सुनते हैं कंगना ने क्या कहा। इस कंट्रोवर्सी को किस तरह से देखती हैं और हिंदी और साउथ का जो एक झगड़ा निर्माण हो रहा है, एक विवाद हो गया, उसको किस तरह से देखती हैं आप? देयर इज नो, अगर आप चाहते हैं कि आपको मैं एक डायरेक्ट आंसर दे दूं, देयर इज नो डायरेक्ट आंसर टू दिस, जबकि आप मेरी स्टेटमेंट से निकाल लेंगे एक डायरेक्ट आंसर खुद ही। बट इफ यू कैन गिव मी 2 मिनट्स, देन आई कैन गिव यू माई थॉट्स ऑन दिस सब्जेक्ट, यू नो। तो हमारा जो भी हमारा सिस्टम है, सोसाइटी है, उसमें ऑफकोर्स वी आर अ कंट्री ऑफ लॉट ऑफ डिवर्सिटी ऑन लैंग्वेजेस एंड कल्चर्स, यू नो, एंड हर एक का एक जन्म से अधिकार है कि वो अपने, चाहे मैं पहाड़ी हूँ, मैं अपने कल्चर पे, अपनी लैंग्वेज पे गर्व महसूस करूँ। लेकिन हमारा जैसे देश है, टू मेक इट वन यूनिट, हमें कोई तो थ्रेड चाहिए ना टू रन थ्रू इट, राइट? अगर हमें कॉन्स्टिट्यूशन को कहा जाए, अगर हमें कॉन्स्टिट्यूशन का सम्मान करना है, तो जब इन लोगों ने बनाई तो हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाया। अब जब आप कहते हैं कि मुझे एज तमिल इज एक्चुअली ओल्डर देन हिंदी, लेकिन उससे भी ओल्डर है संस्कृत, अगर आप मुझसे मेरा बयान पूछना चाहते हैं, तो आई थिंक द नेशनल लैंग्वेज शुड बी संस्कृत, क्योंकि कन्नड़ा से तमिल से लेके गुजराती से लेके हिंदी सब उसी के से आई हुई हैं। तो संस्कृत को ना लेके हिंदी को क्यों बनाया, उसका जवाब मेरे पास नहीं है, राइट? वो उस टाइम के लिए हुए डिसीजंस हैं। लेकिन जब खालिस्तान की मांग होती है, जब वो कहते हैं कि हम हिंदी को नहीं मानते हैं, तो जब युवाओं को भटकाया जाता है, इट्स नॉट अबाउट दैट, दे आर डिनाइंग द कॉन्स्टिट्यूशन, यू अंडरस्टैंड दैट? तो जब आप कहते हैं कि मुझे तमिल, वो तमिल का भी मूवमेंट हुआ था, दे वांटेड अ सेपरेट नेशन, जब आप कहते हैं बंगाल रिपब्लिक की मांग करते हैं और कहते हैं कि आई डोंट कंसीडर हिंदी एज अ लैंग्वेज, देन यू आर नॉट डिनाइंग हिंदी, व्हाट यू आर डिनाइंग इज दिल्ली बीइंग द सेंट्रल सेंटर ऑफ द गवर्नमेंट, अंडरस्टैंड? सो इस चीज़ के बहुत ज़्यादा लेयर्स हैं। तो जब आप इस चीज़ पर बात करते हैं, तो आपको इन सब लेयर्स का अंदाज़ा होना चाहिए। तो जब आप हिंदी को डिनाई करते हैं, तो जो भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, दिल्ली की सरकार को आप डिनाई कर रहे हैं, राइट? एम आई राइट और रॉन्ग? आप दिल्ली को नहीं मानते, क्योंकि हमारा संविधान, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे किसी तरह के एक्ट बने, चाहे दिल्ली में जो भी सरकार करती है वो हिंदी में ही करती है ना। अगर आप चाहे देश भी घूमते हैं, चाहे बाहर भी जाते हैं, जर्मन हो गई या स्पेनिश हो गए, फ्रेंच हो गए, दे आर वेरी प्राउड अबाउट देयर लैंग्वेज। लेकिन नो मैटर हाउ डार्क द कॉलोनियल हिस्ट्री इज, फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली, इंग्लिश हैज बिकम दैट लिंक। टुडे इवन विद इन द कंट्री वी आर यूजिंग इंग्लिश एज द लिंक टू कम्युनिकेट। शुड दैट बी द लिंक, और शुड हिंदी और संस्कृत बी दैट लिंक, और तमिल? वी हैव टू डिसाइड दैट, वी हैव टू टेक दैट कॉल। सो कीपिंग ऑल दीज इन माइंड, अ डिसाइसिव कॉल शुड बी टेकन। एज ऑफ नाउ हिंदी संविधान में हिंदी राष्ट्रभाषा है। तो जो अजय देवगन जी ने कहा कि हिंदी राष्ट्रभाषा है, तो उन्होंने वो गलत नहीं कहा। अगर आप मेरी पूरी बात का निचोड़ सिर्फ यही सुनेंगे, तो वो आपकी कमी है। लेकिन अगर कोई ये कहता है कि कन्नड़ा इज ओल्डर देन हिंदी एंड सो इज तमिल, तो वो भी गलत नहीं कह रहे हैं। अगर मैं, मेरे हाथ में होगा, तो आई थिंक संस्कृत इज द लेजिटिमेट लैंग्वेज, जिसके से जर्मन भी आई हुई है, इंग्लिश फ्रेंच सब संस्कृत से स्टेम आउट हुए हैं। व्हाई डोंट वी हैव संस्कृत एज द नेशनल लैंग्वेज? व्हाई इट इज नॉट मैंडेटरी इन स्कूल्स? आई डोंट नो दैट। कंगना का यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इवेंट में कंगना थाई हाई, डीप नेक, वन पीस ड्रेस में काफी हॉट लग रही थी। कंगना के अलावा यहां अभिनेता अर्जुन रामपाल, दिव्या दत्ता सहित फिल्म की पूरी टीम मौजूद थी। धाकड़ 20 मई 2022 को सिनेमा घरों में तमिल, तेलुगु और मलयालम में भी रिलीज होगी। INS रिपोर्ट।